नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बैंगन से बने बिल्कुल नए तरीके से एक रेसिपी शेयर करूँगी, जो आप कभी ना तो बनाई होगी और ना ही कभी सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये टेस्टी और सबसे आसान रेसिपी। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे 400 ग्राम बैंगन, और बैंगन को देखिए इस तरीके से पतले स्लाइस में हम काट लेंगे। बैंगन आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो जिस बर्तन में हमें सब्जी को बनाना है उसी में हम पहले ट्रांसफ़र कर लेंगे, और इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को पतले स्लाइस में काट के, साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को पतले स्लाइस में काट के, 3 से 4 हरी मिर्च, और हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पे डालिएगा जितना आपको तीखा पसंद हो। अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है लेकिन इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा, और साथ ही हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, और 1/2 चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे हम कसूरी मेथी, और सभी चीज़ों को हम अच्छे से टाइट हाथों से बैंगन में मिक्स करेंगे, और डालेंगे यहाँ पे बड़े चम्मच के 1 चम्मच तेल। तो मैं यहाँ पे सरसों का तेल डाल रही हूँ, आप कोई भी तेल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बस टाइट हाथों से हमें मिक्स कर लेना है। 10 मिनट भी नहीं लगता है इस रेसिपी को बनाने में, और रोटी पराठे के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, टाइट हाथों से मैंने मसाले बैंगन में मिक्स कर लिया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। गैस का फ्लेम हम ऑन कर देंगे और मीडियम लो पे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। बीच में खोल के आप एक बार स्पैचुला से चला भी लीजिएगा, लेकिन गैस का फ्लेम हाई नहीं करना है, हमें लो मीडियम फ्लेम में 5 मिनट के लिए ढक के पकाना है। 5-7 मिनट हो गए हमें लो फ्लेम में ढक के बैंगन को पकाते हुए, और बीच बीच में खोल के मैंने 3 से 4 बार स्पैचुला से चला भी लिया था, और देखिए बैंगन बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। थोड़ा सा स्पैचुला से आपको इस तरीके से मैश करते भी रहना है। तो बैंगन अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो गया है, टमाटर भी पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। अब हम एक तड़के की तैयारी कर लेंगे। तो उससे पहले हम डाल देंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला एक बार मिक्स करके हम 2 मिनट के लिए पैन को कवर कर देंगे और तड़के की तैयारी कर लेंगे। अब हम तड़के पैन में ले लेंगे 1 चम्मच तेल। तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाए गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर देंगे, और डालेंगे हम 8 से 10 लहसुन की कलियाँ। तेल गर्म है, लहसुन का कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा, और दूसरी ओर हमारा जो बैंगन है वो अच्छे से बन चुका है। और देखिए लहसुन को मैंने ना यहाँ पे हल्का क्रश करके डाला था। डाल देंगे हम तड़का, अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और उससे पहले डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। बस हम मिक्स करके गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। लास्ट में मैं डालूंगी यहाँ पे 2 चम्मच बटर। बटर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको ना डालना हो तो आप स्किप कर सकते हो। धनिया पत्ते डाल के अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए मैंने बैंगन को खोल के ड्राई कर लिया है। तो फ्रेंड्स, देखा ना आपने आज की रेसिपी बनाना कितना इजी है। तो एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। तो 10 मिनट भी नहीं लगा हमारे बैंगन के भरते को बनने में। तो नए तरीके से बैंगन के भरता हमारा तैयार है, हम सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। और जब तक आप एक बार इस तरीके से बना के नहीं खाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना टेस्टी बन के ये तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की ये 10 मिनट वाला रेसिपी आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी थोड़ा सा भी बनाने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो नए रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिएगा।